जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक जवान लड़का था, 22-24 साल का, पढ़ा लिखा हुआ था और अब खुद का कारोबार करना चाहता था। उसने कोई कारोबार शुरू भी कर लिया और शुरू किया, 2-3 महीने कारोबार किया, कोई मुनाफा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। और उसने सोचा, नहीं यार ये कारोबार ठीक नहीं, दूसरा कारोबार करता हूँ। फिर उसने 3 महीने के बाद कारोबार बदल दिया, दूसरा कारोबार उसने शुरू कर दिया। वो भी 3-4 महीने किया, फिर वो भी बंद कर दिया। फिर बोलते हैं, नहीं ये जगह सही नहीं है, दूसरी जगह पर कारोबार शुरू करते। फिर उसने जगह बदल दी, वहाँ पर कारोबार शुरू किया। वहाँ पर भी 2-3 महीने, अरे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उसके पिताजी देख रहे थे, बोले तू फोकट में मेरा पैसा जो है वो गवाह दे रहा है। बोले ऐसे कारोबार नहीं होता, कारोबार टिक कर लंबे समय तक करना पड़ता है, तब जाकर मुनाफा दिखेगा, ऐसे 2-3 महीने में कुछ नहीं दिखने वाला। अरे बोले पापा, आपको कुछ नहीं मालूम, आप पुराने ज़माने को, आपके ज़माने में होता होगा, अभी मालूम है कॉम्पिटिशन है, ये है वो है, माता पिता भी परेशान, माता पिता का सुन नहीं रहा है ये। और फिर एक दिन उस शहर में एक परमेश्वर के दास आए हुए थे, तो माता पिता जब उनसे मिले तो माता पिता ने अपने दुख की कहानी बताई, अपने बेटे के बारे में सब बताया। बोले परमेश्वर के दास जी, हम क्या करें, उसके अंदर थोड़ी सी भी धीरज नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अपने बेटे को कल मेरे पास छोड़ कर जाना, मैं उससे कुछ बात करूँगा। और दूसरे दिन परिवार वाले अपने बेटे को लेकर उस परमेश्वर के दास के पास उसको छोड़ दिया। उसको समझा, देख बेटा परमेश्वर के दास है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। अभी क्या हुआ, परमेश्वर के दास ने इस बेटे को कहा कि बेटा देखो, वहाँ पर एक छोटी सी बैग है, उसमें आम की गुठली है। बोले उसको निकाल कर लेकर आओ। वो 2-3 गुठली लेकर आए। बोले वहाँ पर वो जमीन है ना, जमीन में उसको गाड़ दो। गाड़ दिया। अभी आधा घंटा हुआ, बोले जा तो बेटे देख तो आम लगी है कि नहीं, देख तो। बेटा सोच में पड़ गया, बोले ये कैसा परमेश्वर का दास है, इसको इतनी भी अकल नहीं है, कभी तो पौधा भी ना निकले इतनी देर में तो। लेकिन फिर भी चलो अपमान नहीं करते, वहाँ पर जाकर आए। बोले नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो वो गुठली को वहाँ से निकाल दो। अभी गुठली को वहाँ से निकाल दिया। फिर परमेश्वर के दास ने बोला, वो जो जगह है दूसरी जगह, वहाँ पर जाकर उसको गाड़ दो। वहाँ पर जाकर उसको बीज दिया दूसरी जगह पर। फिर आधा घंटा हुआ, फिर परमेश्वर के दास ने बोला, देखो जाओ तो आम आए कि नहीं। बोले ये कैसा दास है, चलो जो भी है। वो फिर वो देखने के लिए गया। बोले नहीं अभी तो आम तो क्या, अभी तो पौधा भी नहीं निकला। तो पौधा भी नहीं निकला, एक काम करो वो दूसरी गुठली लेकर आओ, लगता है ये गुठली काम नहीं कर रही, दूसरी गुठली लेकर आओ। अभी दूसरी गुठली लेकर आए। बोले इसको इस जगह पर लगा दो। अभी दूसरी जगह पर उसको लगा दिया। आधे घंटे बाद संत ने फिर बोला, जाओ जाकर देखो तो आम आई है कि नहीं। वो फिर भी देख कर आया और बोला, संत जी आप में इतनी अक्ल नहीं है कि इतना जल्द फल कभी नहीं लगता, आपको ये समझ नहीं है। और तब सेवक ने कहा कि मैं यही तुझे समझाना चाहता था कि तू जो कारोबार कर रहा है तो उसको 2-3 महीने में कौन सा चलने वाला है, उसमें वक्त लगता है, हमें धीरज धरना पड़ता है। और इसलिए परमेश्वर भी हमें कहते हैं कि धीरज धरो। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानिया उसका 10वां अध्याय और उसका 36वां पद, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद जो तुम्हें फल मिलने वाला है वो पाओ। उस फल के लिए धीरज धरना अवश्य है। परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहो और उसके बाद जो फल मिलने वाला है उसके लिए धीरज धरो।
परमेश्वर आपको पक्का फल देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।